दर्शन से हम धन्य हो जाए। हम स्तुति विनती भेंट चढ़ाने आए, हर्षित मन से जय जयकार करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सब को प्राप्त हो और आपको भी। आदरणीय फादर्स और मेरे सभी भाई और बहनों, आज हम सामान्य काल का 15वां रविवार मना रहे हैं। ईश्वर अपने शब्दों के द्वारा हमें उनकी कृपा, आशीर्वाद और शांति प्रदान करता है। आज के इस भोजन में सहभाग लेते हुए हम ईश्वर के शब्दों का ग्रहण करके उन शब्दों से एक रूप बनने के लिए प्रार्थना करें और हम अपने अपने शब्दों द्वारा जब भी ईश्वर के शब्दों का उल्लंघन किया, पाप के दायरे में हम वो शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए हम अपना पाप स्वीकार करें और यह बलि चढ़ाने के लिए योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से स्वर्ग सर्वदूत और सब संतों की और आप लोगों के सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम सब ईश्वर का स्तुतिगान करें जो ईश्वर हमें इस पृथ्वी पर उनकी कृपा और शांति प्रदान करता है। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों की शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरे परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं।
हे प्रभु ईश्वर स्वर्ग के स्वामी सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु एकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त, प्रभु ईश्वर ईश्वर के मेमने पिता के पुत्र, संसार के पाप लेता है, संसार के पाप कर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर, तू पिता की दाहिने विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी सत्य ज्योति से पथ भ्रष्टों को सन्मार्ग दिखाता है, वे धर्म मार्ग पर चलते हुए सदा धर्मानुकूल बातें सोचे और उनका पालन करने करते हुए धर्म विरोधी बातें त्यागे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं, आमीन। पहला पाठ, नबी इसायस का ग्रंथ। पानी भूमि को उपजाऊ बनाता है। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि को सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता था वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे वे उगकर 100 गुना फल लाए। कृपया दोहराइए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे वे उगकर 100 गुना फल लाए। तू पृथ्वी की सूद लेता है, तू उसे सींचता और उपज में भर देता है। ईश्वर की नदियाँ उमड़ती और पृथ्वी को उपजाऊ बना देती है। भजन अनुवाक्य। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे वे उगकर 100 गुना फल लाए। तू जो टी हुई भूमि सींचता है उसे बराबर करता, पानी बरसा कर नरम बनाता और उसे अंकुरों को आशीष देता है। इस प्रकार तू भूमि का संरक्षण करता है। भजन अनुवाक्य। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे वे उगकर 100 गुना फल लाए। तू वर्ष भर वरदान देता रहता है, तेरी प्रजा की भूमि उपजाऊ है, मरुभूमि के चरागाह हरे भरे हैं। भजन अनुवाक्य। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे वे उगकर 100 गुना फल लाए। पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते रहते हैं, चरागाह भेड़ बकरियों से भरे हैं, घाटियां अनाज की फसल से ढकी हुई है और आनंद तथा उल्लास के गीत गाती है। भजन अनुवाक्य। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे वे उगकर 100 गुना फल लाए। दूसरा पाठ, मैं रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं समझता हूँ कि जो महिमा हम में प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख निगण है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की असरता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बना दिया है। किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह असरता की दास्ता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर के पुत्रों की महिमामय स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कहराती है और सृष्टि ही नहीं हम भीतर ही भीतर कराहते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुकी है,
किंतु हम ईश्वर की संतान होने के नाते अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, अलेलुया अलेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्द ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रभु का सुसमाचार है। आदरणीय फादर्स और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सामान्य काल का 15वां रविवार बना रहे हैं। ईश्वर हमसे पता चलता है कि व्यक्तियों, कार्यों और स्थितियों के माध्यम से हमारे साथ लगातार संवाद करता है। ईश्वर का शब्द धीरे से हमारे जीवन में आता है और इसका उद्देश्य कभी भी हवा में नहीं है, लेकिन बादलों की तरह निलंबित रहना नहीं है, बल्कि पृथ्वी को सोखने के लिए और अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद ईश्वर के और वापस खींच लिया जाना है। ईश्वर का शब्द आरंभ या अंत के बिना शाश्वत शब्द है, जो निर्मिति के पहले था, निर्मिति के बाद है। आज परमेश्वर के वचन की तुलना उस बीज से की जाती है जो अंकुरित होता है और नया जीवन लाता है। हमारा सारा जीवन, सारी सृष्टि हमारे होने की प्रत्याशा में कराह रही है कि ईश्वर की आत्मा को मनुष्य के भीतर जो उल्लंघन होता है, जहां एक दिव्य फल लाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, किसान जानता है कि उसे जमीन तैयार करना है, इसे उगाना है और अच्छे फल देने के लिए पानी देना है। हमें अपने जीवन के साथ सुसमाचार का बीज बोने के लिए आज के पाठों में प्रभु आमंत्रित करता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमारे पास बोने की जो शक्ति है उसका ख्याल रखता है। जो परमेश्वर
किसानों के बीज बोने के लिए उनको बाहर जाने की आज्ञा देता है। इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी में किसान अपना बीज रखता है, उसको बोया जाता है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और समझता है कि वह समृद्ध और फलदायक फसल के जैसे है, यह जीवन और खुशी लाता है, जहां केवल मृत्यु और दुख था। आज के दूसरे पठन में संत पॉल हमें तथ्य को संदर्भित करता है कि हम सभी मनुष्य और सारी सृष्टि पाप के कारण पीड़ित है, और वह हमें विश्वास दिलाता है कि वर्तमान पीड़ित है, यह जीवन और खुशी लाता है जहां केवल मृत्यु और दुख था। इस साल हमारे संत पिता फ्रांसिस ने लाउदाति सी ईयर मनाने के लिए हमें निमंत्रित किया है। पूरी कलीसिया ये साल जो इस विश्व का निर्माता ईश्वर है, उस निर्माते ने हमारे पास यह सारी सृष्टि हमारे लिए एक घर, द होल यूनिवर्स इज अ होम, अ कॉमन होम फॉर ऑल ऑफ अस, जो दिया है उसकी निगाह कर रखना, उसको बढ़ावा देना और उनसे जो फल प्राप्ति होता है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना, यही हमारे ईश्वर की हमारे लिए एक प्रेरणा और शक्ति है। अंततः आज के सुसमाचार में संत पॉल हमें कहते हैं कि हम ईश्वर के संतान हैं, और ईश्वर के संतान होने के नाते जिन स्वतंत्रता में हम जन्मे हैं, जिन स्वतंत्रता में हम जीते हैं, उन स्वतंत्रता में ही हम ईश्वर के संतान, पुत्र पुत्रिया होने में हमारा जीवन साझा करेगा, हमारे जीवन में हम फलदायी बनेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार पर आधारित मैं आपको तीन प्रासंगिक चिंताएं पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। पहली बात कि परमेश्वर के वचन को सुनने और उसने सीखने के लिए हमें यह ध्यान में रखना है कि परमेश्वर की संतान होने के नाते उनके और हमारे बीच जो रिश्ता है वो रिश्ता अधिक दृढ़ बनाने के लिए हम हृदय की खामोशी में शास्त्र में परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। क्या मैं हमारे प्रभु यीशु से सुनने और सीखने के लिए तैयार हूं? क्या हम उनके बजाय इसकी कि वह उनके बारे में मैं पढ़ना चाहता हूं और उस पठन करके ईश्वर के शब्दों को अपनाना चाहता हूं? दूसरी चिंताएं आज हमारे सामने है, क्या मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए तैयार हूं? मेरा नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन। जब हम सीखने को तैयार होते हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है
कि उन शब्दों का प्रचार और प्रसार करना और उस कार्य के लिए ईश्वर हमें क्षमता देता है। ईश्वर ने हमें जो क्षमताएं दिए हैं उनका इस्तेमाल उनके कार्यों के लिए करना। क्या हम ईश्वर के शब्दों का, ईश्वर के शिक्षा का प्रचार और प्रसार हमारे जीवन में करते हैं और केवल उनके शब्दों की घोषणा करने के लिए हम वफादार रहे हैं? तीसरी चिंताएं हमारे सामने है कि दुनिया में ईश्वर का शब्द को प्रसारित होना, लोग उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जो बात करते हैं और उस शब्दों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उन लोगों से सुनना और सीखना जो बिना अभ्यास के उपदेश देते हैं, मैं कैसे न केवल सहन करना चाहिए कि अच्छी खबर, लेकिन अच्छी खबर हो और दुनिया में मसीहा की उपस्थिति हो। जिन शब्दों को हम प्रसारित और प्रचारित करते हैं उसके द्वारा ईश्वर की उपस्थिति हम इस दुनिया में निर्माण करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आखिरी में हमें आज इस सुसमाचार से सोचना है, क्या हम ईश्वर के शब्दों के साधक हैं और उसके साधन साधन बनना चाहते हैं? जब हम ईश्वर के शब्दों के साधक हो तो उनका अभ्यास, उन पर मनन चिंतन करके वो शब्दों को अपनाना है और अपने जीवन के द्वारा उन शब्दों को प्रसारित यानी प्रचारित करना है, तो हम उनके शब्दों के साधन बनते हैं। आज के इस भोजन में सहभाग लेते हुए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें उनकी कृपा दे और हर एक यूक्रिस्ट मिसा बलिदान में जब हम ईश्वर का शब्द सुनते हैं उसको प्रचारित और प्रसारित करने के लिए प्रयास करें। आमीन। जिस ईश्वर ने इस सारी सृष्टि को निर्माण किया अपने शब्दों से, उन शब्दों पर भरोसा रखकर हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु के सुक्रिस्त में, जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट किया गया है। वह हम मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, उसके पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह मर गया और गाड़ा गया, वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति गाई जाती है। वह नबियों से मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा पैरिटिक कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन द्वार होता हूँ। आमेन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फल उत्पन्न करने के लिए यह जरूरी है कि बीज को अच्छी मिट्टी में बोया जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि हम ईश्वर के वचन के लिए अपने हृदय
को उपजाऊ मिट्टी के रूप में तैयार करें, ताकि हम फल उत्पन्न कर सके और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अच्छे तथा विश्वस्त सेवक के रूप में लोगों को ईश्वर का वचन सुनाए और फल उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र बाइबल में निहित ईश्वर का वचन सभी कैथोलिक विश्वासियों के लिए प्रार्थना और साधना के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हर पल्ली में पवित्र बाइबल का अध्ययन एवं मनन चिंतन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, ताकि ईश्वर के वचन को विकसित करने में मदद मिल सके। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुन। सभी किसानों के लिए प्रार्थना करें, जो दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, खाने के लिए फसल उत्पन्न करते हैं, ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम उन लोगों की श्रेणी में गिने जाए, जो ईश्वर के वचनों को सुनकर पर्याप्त मात्रा में फल उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुन। निजी प्रार्थनाएं, हम अपने अपने निजी वैयक्तिक पारिवारिक और हमारे समाज में जो लोग ईश्वर का शब्द सुनने के लिए तैयार है, उनके लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, और जो दुखी कष्टी है उनको ईश्वर के शब्द से आधार प्राप्त होने के लिए, आज के इस समय जो लोग COVID-19 कोरोना वायरस से प्रभावित है, बीमार है, उनको और उनके परिवारों को, जो लोग उनकी सेवा करते हैं, सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और जो इसेंशियल सर्विसेज हमें देते हैं, हमारे सेवा में लगे हैं, उन सभी को ईश्वर उनकी कृपा से आशीर्वादित करने के लिए हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता, हम तेरे पुत्र यीशु के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बोने वाले के दृष्टांत के माध्यम से ईश्वर के वचन द्वारा फल उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया है। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम अधिक से अधिक फल उत्पन्न करें और यह स्वयं को तेरे योग्य बना सके। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त कलियों से लाभ के लिए
हे प्रभो, तेरी कलिसिया ये उपहार तुझे विनय पूर्वक चढ़ा रही है, इन पर कृपा दृष्टि डाल। जो भक्त ये उपहार ग्रहण करेंगे उन्हें और अधिक पवित्र कर, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके, और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभर होकर कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाए जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और वो कटोरा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मर कर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया, जिसे हम के पुनरागमन घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस,
हमारे महाधर्माध्यक्ष अलायस गंजाल्वेस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुद्धान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा सुदगान कर सके तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहते है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मन में जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मन में जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मन में जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सेवक नहीं हूँ कि आप मेरे घर आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस महामारी के कारण हम अपने अपने घरों में सीमित हैं और इस प्रभु भोजन में व्यक्तिशः सहभाग नहीं ले सकते, तो भी आध्यात्मिक रीति से यीशु को स्वीकार करने की प्रार्थना हम एक साथ कहें। मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ
मेरे यीशु में विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित है, सब लोगों तथा पवित्र सब लोगों तथा वस्तुओं से ज्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ, सब लोगों तथा वस्तुओं से ज्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता, मैं आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ, आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए, मैं आपका आलिंगन करता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थी, मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ, मुझे कभी भी आपसे अलग न होने दे, आमेन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभो, तेरी दया से हम परम प्रसाद हमें मिला है। जब कभी हम युक्रिस्त का समारोह मनाए, हमें मुक्ति का फल बढ़ता जाए, यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने सर झुकाकर ईश्वर के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप लोगों को कृपा पूर्वक अपनी आशीष दे और आप लोगों में उनके शब्दों द्वारा उनकी मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। आमीन। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धर्म के कार्य सुवार्ता प्रचार में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करे। ईश्वर, आप लोगों के चरण अपनी ओर अग्रसर करे और शांति तथा प्रेम का मार्ग दिखाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।